थोड़े से छछुंदर छछुंदर अरे सॉरी 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 ये टेंट सुखा रखे हैं भाई, शादी की तैयारी। अल्ट्रा वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ, इसी में बढ़िया आती है डायनामिक। देखो पीछे और आज का सीन क्या अपना, आज का मुझे कुछ नहीं पता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे। सो अभी का सीन ये है कि मैं रेडी होके जा रहा हूँ भाई। कहाँ, मैंने कहा यार बोर हो रहे थे घर पे, थोड़ी रील्स वील्स बना लेते हैं। तो भाई को एक को कॉल किया मैंने, मैंने कहा रील्स बनाने चलते हैं, और जूते वूते जो लाए थे अपने नए नए एकदम पहन लिए और रील्स बनाएंगे आज। कहाँ जा रहे हैं अपनी, वही पुरानी लोकेशन देखी होगी आपने, एंड मेरे साथ जा कौन रहा है वो दिखा देता हूँ आपको, और चलते हैं फटाफट और रील्स आज तो बनानी है बढ़िया बढ़िया, और दिखाता हूँ मैं आपको मेरे साथ है कौन। अभी पहुँच चुके हैं जिस भाई के साथ जा रहे हैं, और हम पैदल पैदल ही जा रहे हैं पटरी पे, ये शांति विहार की साइड जो पटरी है यहाँ से, और ये रे भाई जिनके साथ जा रहे हैं। और भाई क्या हाल है, क्या हाल है भाई अपने ये प्रोफेशनल कैमरा। आज तो भाई वीडियो शूट ही करनी है, ये अपने प्रोफेशनल कैमरा मैन है भाई, तगड़ी बनाते हैं और इससे ही बनवाते हैं, और इसका नाम है भाई अस्मित। इसे आपने काठगोदाम वाले ब्लॉग में देखा होगा, उसके बाद एक और ब्लॉग में देखा होगा अभी, उसके बाद मिलेगा यार। तो कहाँ चलना है भाई आज, ये शांति विहार में आज तो भाई एकदम भाई वीडियो बनाएंगे आज, बड़ी खतरनाक खतरनाक, और इंस्टाग्राम में देखने को मिलेगी आपको आज। कोशिश करेंगे थोड़ी सी बढ़िया बनाने की, वैसे रील तो मैं बनाता नहीं हूँ यार, बनाने जब भी जाता हूँ बन नहीं पाती भाई साहब। और आज अच्छी है, आज सनलाइट भी अच्छी है और अपना कैमरामैन भी बढ़िया साथ में, तो देखते भाई इसकी भी बना दूंगा अपनी भी, और मौसम तो बढ़िया ही हो रहा है, गर्मी सी लग रही है ना भाई। और जिसने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करिए। और गर्मी लग रही है, नहीं लग रही गर्मी यार आज तो बहुत, मतलब यार कितनी तारीख है आज, है भाई हमारी 16 फरवरी, 16 फरवरी को है अपना शूट हो रहा है, और 17-18 को डलेगा, और अब जो है गर्मी सी लगने लगी यार इतनी जल्दी ना, मतलब गर्मी के दिन आ ही गए। मैंने एक इनर पहना और एक अपर है, इसमें बहुत गर्मी सी लग रही है यार, और डायनेमिक अल्ट्रा वाइड एंगल पर शूट कर रहा हूँ, इसी में बढ़िया आती है डायनेमिक। देखो पीछे पटरी पटरी एकदम, और यहाँ पे देखो ये टेंट सुखा रखे हैं भाई शादी की तैयारी, ये और ये कुछ व्यू आ रहा है एकदम सामने पटरी। और भाई साहब गाड़ी से जा रहे थे पहले हम, फिर हमने कहा यार गाड़ी से नहीं ऐसे ही चलते हैं, क्यों पैदल जब घूमने का मजा है वो किसी चीज़ से नहीं है, ये तो भाई है बात। तो चलते हैं और थोड़े थोड़े सिनेमैटिक लेते रहेंगे रास्ते में, और बाकी चलते हैं पैदल पैदल ही जा रहे हैं, मजा भी आ रहा है, मजा आएगा अभी यार देखेंगे, अगर वो लोकेशन पे ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो और चल देंगे आगे सीधा पटरी से चलेंगे कहीं। टाइम तो बहुत है यार, पूरा दिन है भाई साहब, अभी तो 12:01 भी नहीं बजा, तो चलो फटाफट चलते हैं। भाई 2 घंटे बाद अपना हो ही गया, और बना रही रील्स वील्स, और ये रहा लौंडा तेरी कितने बन गई भाई, एक एक घंटे में तगड़ी है भाई, नॉर्मल सी बनी है एक एक रील्स बन पाई इतनी देर में, गर्मी भी लग रही है ना यार, और इधर आए अभी खेतों की वादियों में मस्त है, मतलब गर्मी लग रही है लेकिन इतनी नहीं, थोड़ी बहुत। ये कहाँ जा रहे हैं लौंडे PSC के पता नहीं, चले यार कुछ खा लेते हैं, भूख भी लगने लगी, मैं तो कुछ खाया भी नहीं था घर पे यार, घर से खा के निकला था, मतलब एक एक रील्स बन गई, बाकी बताते हैं आपको जो भी, और फोटो वोटो भी खींच लिए थोड़े बहुत, इधर खाने पीने का भी है सारा सामान, इधर से कुछ खा लेते हैं यार, खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी लिए हमने समोसे भाई, समोसे खा रहे हैं भाई, भी खा रहा है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल, भूख लग रही है और अब समोसे खाएंगे सुबह से, अब समोसे मिल रहे भाई, चलो ही नहीं खा लेते हैं यार, फिर चलते हैं घर सीधा। खा आके आ चुके हैं, और पेट भरा भाई, भाई पूरा भरिया, दो दो समोसे खाए भाई, पेट क्या भरेगा, थोड़ा थोड़ा सा मतलब भाई वो गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है यार खा के, सुबह से कुछ नहीं खाया था। और यार सोचता हूँ मैं आके कि भाई रील्स बनाएंगे 5-6, 3-4 जितने भी बनाएंगे, लेकिन बन एक ही बात ही है, कभी कभी तो एक भी नहीं बनती है, एक घंटा भाई कैमरा समझाने में लगता है भाई, अपने प्रोफेशनल कैमरा मैन इन्हें समझाने में कि भाई ऐसा एंगल लो ऐसा लो, और अंदर से एक शर्ट पहन के आया था मैं, मैंने कहा भाई बनाएंगे 3-4 लेकिन बनी एक ही, वो भी अपर में, चलो कोई नहीं एक तो बनी, अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे यार, एक तो पैदल आके ज़्यादा मजे में आ गए हम पैदल ना, पैदल आ गए और अब पता चल रहा है जाते समय, ये देखो सामने वो देखो, जहाँ तक देखो सीधा एकदम पटरी पटरी, कितना कितना किलोमीटर जाना होगा ब्रो हमें, कम से कम भाई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 4, अरे पागल है क्या, इतना थोड़ी है यार, क्या 5 होगा भाई, 2 किलोमीटर भी नहीं होगा यार, 1 किलो 2 किलो, हाँ 2 किलोमीटर होगा, हमें इतना जाना है, और एकदम सीधी है,
पटरी पे चल रहे हैं मस्त, एकदम हवा चल रही है और खा तो लिया ही हमने पैदल पैदल ना। हाँ। में बेटा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर लगता है क्योंकि गाड़ी से जाते हैं तो आराम से लगता है। और देखते हैं, मजा तो आ ही रहा है और बाकी देखते हैं आगे क्या करते हैं ब्लॉग में। और मैं सोच रहा हूँ जिम चलेगा आज। मैं यार बहुत ब्लॉग में भी बोल चुका हूँ, मैं के बाद चलेंगे जिम ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। मैंने आपको बताया भी था बाहर तारीख के बाद, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ जिम ज्वाइन तो कर लूंगा, लेकिन भाई साहब डाइट ली नहीं जाती मुझसे। एक दिन ले लूंगा, एक हफ्ते ले लूंगा, उसके बाद डाइट खराब हो जाती है अपनी। फिर यार जिम कितनी भी कर लो, डाइट तो इंपॉर्टेंट है, वो तो लेनी पड़ेगी। तो सोच रहा हूँ मैं अपने PSC की जिम है, सरकारी जिम, वहीं चलते हैं। चलेगा क्या शाम को? चलो वहीं चलते हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेंगे। और बाकी ग्राउंड भी नहीं गया हूँ, एक आध हफ्ता हो गया यार नहीं गया हूँ, और वहाँ भी चलेंगे। और यार सनलाइट में तगड़ी क्वालिटी आती है, मतलब आईफोन में एकदम खतरनाक। जो बंदे कहते हैं ना आईफोन पैसा बर्बाद, भाई साहब लेके देखो कैमरा क्यों खतरनाक। मतलब जिन्होंने चलाया नहीं है वो तो भाई यही बोलेंगे, लेकिन एक बार लेके चला के मतलब हर चीज़ में भाई साहब पहाड़ है पहाड़। हाँ लेके देखना, और धूप में देखो क्वालिटी तो बढ़िया आती है। और हवा चल रही है, अब चलते हैं भाई साहब सीधा घर। उसके बाद टाइम कितना होगा, टाइम बता भाई। टाइम हो रहा हमारा 2:42 3 बजने वाले हैं 3 बजे नहीं, ठीक है। घर चल के खाना खा के 4 बजे चलेंगे, जहाँ भी चलेंगे ग्राउंड या फिर जिम ज्वाइन, बाहर कहीं भी कुछ घूमने वो दिखा देंगे आपको। और अभी शूट नहीं करूँगा मैं, अभी चलते हैं सीधा घर। बैटरी भी बहुत कम बची है फ़ोन में। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ओए बच्चो कहाँ से आ रहे हो? हाँ कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं बच्चे। चलो छोड़ो अपन चलते हैं सीधा घर, ठीक है भाई चलते हैं, मिलते हैं बाद में, ठीक है। अभी पहुँचा हूँ मैं घर, एंड अभी जल्दी से मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ, और बहुत भूख लग रही है। तो खाने में क्या इधर लिए देखो, इधर लिए मैंने थोड़ी सी दाल चावल, और उसमें मिलाई है मैंने पंजाबी तड़का। सो पंजाबी तड़का क्यों मिलाई है उसका समझोगे नहीं आप, क्योंकि मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है, मुझे कुछ अटपटा सा पसंद है, अलग ही होना चाहिए खाने में, ऐसा है। एंड अब फिलहाल तो मैं इसे खाऊंगा, ज़्यादा नहीं लिया थोड़ा ही खाऊंगा यार, क्योंकि अभी जाऊंगा ग्राउंड, थोड़ी रनिंग भी करेंगे वहाँ, इसलिए कम ही खाऊंगा। और फिलहाल उसके बाद लगाऊंगा फ़ोन चार्ज पे, क्योंकि फ़ोन बचा है 10%। और अब बस इसे खा लेता हूँ जल्दी से, भूख लग रही है बहुत। चलो खाना पीना हो गया, और अब चलते हैं ग्राउंड, और अब लेके चलेंगे कुछ आज अपनी। तू आ रहा है क्या? चलो भाई देवो भी आ रहा है हमारे साथ। तू क्या खेलेगा? फुटबॉल। ये खेलता है फुटबॉल, हम खेलते हैं बास्केटबॉल। और चलते हैं फटाफट हेलमेट निकाल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो यार खेलने आ तो गया हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, मतलब खेलने आते बंदे दिख नहीं रहे यार, कोई नहीं। ये बच्चे लोग ही खेल रहे हैं सामने, इधर यही खेल रहे हैं बस। और सामने उधर चल रहा है वॉलीबॉल का मैच, वो देखो दिख रहा होगा आपको। आजकल सारे वॉलीबॉल खेलने ही जा रहे हैं, तो बास्केटबॉल पे कोई दिख नहीं रहा यार, पहले तो बहुत ही आ रहे थे। चलो कोई नहीं, हम खेल लेते हैं अकेले ही, और बाकी देखते हैं कोई आता है तो खेलते हैं, नहीं तो चलते हैं सीधा घर ही चलते हैं यार, जिम चलते हैं, अकेले क्या खेलना हो रहा है। चलो खेल लेते हैं गाइस, गेम तो हो गया अपना। और आजकल तो खेला नहीं जा रहा बिल्कुल यार, पता नहीं क्यों थकान हो रही है बहुत, कुछ खा पी ज़्यादा नहीं रहा हूँ ना मैं इसलिए। और अपनी घड़ी कुछ और बॉल भी यहीं है, और अब चलते हैं घर सीधा, उसके बाद जिम तो नहीं जाऊँगा यार। चलेगा क्या? नोंडा है अपने साथ। हाँ भाई कैसा है? ठीक है बताओ भाई अपनी यूट्यूब फैमिली को कुछ बोलना चाहोगे? नहीं भाई के चैनल। अरे बस ठीक है थैंक यू। चलो फिर चलते हैं हम, ये तो भाई कुछ नहीं बोलना चाहेगा, हम चलते हैं घर। तो भाई सीधा खेल खूल के आ गया था मैं घर पे, आने के बाद सबसे पहले तो भाई साहब मैंने हाथ मुंह धोया अपना, उसके बाद खा रहा हूँ खाना, और खाना तो आज खतरनाक है मेरे मतलब का खाना, और मुझे भूख लग रही थी इसलिए। तो खाने में क्या है देखो भाई साहब, इधर है पहले हमारे पास आलू पूड़ी राइस खीर और सलाद। सलाद में हमारे पास खीरा प्याज और थोड़े से छचुंदर चुकुंदर। और आज हमारी मम्मी जी का व्रत था पूर्णिमा का। हाँ मम्मी राय, अरे सॉरी रायता नहीं बताया, मम्मी नाराज हो गई, तो रायता भी है। और आज था हमारी मम्मी जी का पूर्णिमा का व्रत, तो मम्मी जी का व्रत था तो इतना सारा बहुत सारा खाना बना रखा है मम्मी ने। और आपको तो पता ही है हम वेज ही खाते तो हमें अच्छा लगता है, नॉन वेज तो हम खाते ही नहीं है ना, आपको पता ही है। और लाइटिंग देख रहे होगे आप, लाइट आ नहीं रही है और लाइट चली गई है, और इन्वर्टर तो हमारा ख़राब है तो चल नहीं रहा, तो इसे खा लेता हूँ फटाफट। फाइनली खाना हो चुका है अपना, डिनर विनर सब कुछ हो चुका है,
एंड अब समय आ गया इस ब्लॉग को एंड करने का। एंड एंड करने से पहले दो तीन बातें बता दूँ आपको कि ये ब्लॉग बनाने का आज बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मैंने कहा फिर भी बना ही लेते हैं यार, ना डलने से अच्छा कुछ डल जाएगा अपने चैनल पे वो अच्छा है। एंड जो आज रील्स बनाने गया था मैं, अगर अब वो आपको देखनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय, सी यू, टेक केयर एंड सी यू सून, बाय।